तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं ज्ञान। तो अभी मैं हूं विश्वनाथ की नगरी बनारस में, जो कि कल रात में मैं यहां पे आया हूं। और बहुत जोरों शोरों से यहां पे बारिश चल रही है बनारस में भी, और बहुत अच्छा भी लगता है आने के बाद यहां पे। और कुछ कार का कंडीशन ऐसा है, बट इसको थोड़ा दिन बाद इसको ठीक करा लूँगा। तो एक और हम लोग के टीम में एक और चीज़ आने वाला है, तो उसका भी थोड़ा सा रिवील करूंगा मैं, आप लोग से शेयर करूंगा क्या आने वाला है। तो इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो उस पर जाकर फॉलो करिए, तो वहाँ पे पल पल का आपको खबर मैं देते रहूँगा, तो तब चला जाएगा। तो आज हमारे साथ पापा भी कल आए थे रात में, और मनीष भी आ जा रहे हैं, और ही रहे। चंदौली रहा, जो कि अभी टाइम हो गए हैं आपको 2:40 हो रहे हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा रोड का हाईवे का कंडीशन है, तो ये बेकार हो चुका है। तो देखते हैं कितना देर लगता है बक्सर जाने में। तो हम लोग इंटर कर रहे हैं अब बिहार में, जो कि ये करमनासा ब्रिज है, यूपी बिहार का बॉर्डर, यूपी बिहार का ये बॉर्डर है, जो कि यही पुल पहले टूट गया था, जो कि अब बन चुका है, और बन गया तो बहुत ठीक हो गया, नहीं तो उधर से आना पड़ता था। गाँव तक पहुँच चुके हैं, और इन भाई साहब को देखिए लॉन्ग रास्ते से आ रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे टर्न नहीं है बीच में, तो लॉन्ग रास्ते से आना पड़ता है। इतने दूर के बाद हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं गुप्ता मिष्ठा भंडार के पास। तो बहुत दिन बाद ही इस शॉप के पास मैं आ रहा हूँ। तो कभी आते थे लॉकडाउन में, बनारस में आया था तो बंद था ये। और मनीष भैया बहुत सो, क्या मनीष भैया बहुत बोलिए, तो यहाँ का मिठाई बहुत फेमस है, तो चलते हैं वहीं खाने। यहाँ पे हम लोग समोसे खा रहे हैं, और भैया का थोड़ा पेट भी दर्द कर रहा है, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या हुआ था भैया को। यहाँ का मशहूर गुलाब जामुन है, तो भैया अभी खाए हैं, कैसा लग रहा था भैया? तो अभी मस्त वाला मौसम हो चुका है, और बारिश हो रहा है जोरों शोर से, और अपनी कार का कुछ हालत ऐसा है। और यहाँ पे अभी गरम गरम पकौड़ी चल रहा है, जो कि दिखा रहा हूँ।
तो खा कर मस्त हो गए और यहाँ पे बहुत अच्छा, आप कुछ भी कहिए बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। और ये भैया है, इनका थोड़ा अभी पेट में दर्द हो रहा है, और पापा पान खाने गए हैं दूर वो भी, और अभी बारिश रुक गया है तो आते हैं, तो अब निकलते हैं हम लोग। ये रामगढ़ जाने का शॉर्टकट है जो कि नज़दीक पड़ता है, मोहनिया होकर जाने पे थोड़ा दूर पड़ता है। तो आप बनारस से आ रहे होंगे तो दुर्गावती से ये वाला रास्ता पकड़ लीजिएगा तो शॉर्ट पड़ेगा बहुत। और यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ पौधे कितने हरे हरे दिख रहे हैं, और साइड में नहर भी है। यहाँ पे खेत देख सकते हैं, पूरा हरियाली चारों तरफ। लेकिन जो पेड़ का सीन दिखता है बहुत ज़बरदस्त दिखता है, यहाँ पे फोटो शूट के लिए मज़ा आ जाएगा। चलते हैं भाई साहब, आगे रास्ता भी ब्लॉक हो गया था, पेड़ ही गिर गया था जो कि अभी मैं दिखा रहा हूँ, वह ऐसे गिर गया था बड़ा सा पेड़ वो भी। इतना रात में पानी हो रहा था इसके वजह से, और आंधी तूफान के भी चलते हो जाता है। और भाई क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से हम लोगों को लेना है राइट, तो राइट हम लोग जाएंगे तो रामगढ़। तो हम लोग पहुँच चुके हैं रामगढ़, ये रामगढ़ है, और यहाँ से हम लोग लेना है लेफ्ट, उसके बाद ये बक्सर सीधे जाएगा। यहाँ का मार्केट देख सकते हैं, तो अभी बहुत जो तो अभी हम लोग चौसा के करीब आ चुके हैं, और अभी हम लोग अपने मम्मी के गांव पे रुके हुए हैं जो कि इनका यहाँ पे गांव है। तो क्या मम्मी? मम्मी मम्मी अभी किसी से बात कर रहे हैं, कोई होंगे। तो अब थोड़ी देर में हम लोग घर पहुँचने वाले हैं, और मौसम बारिश हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है, अभी भी हो जाएगा, तो चलते हैं घर। हम लोग आ पहुँचे गोला के पास, और इधर देखिएगा तो ये पावर प्लांट का चल रहा है कंस्ट्रक्शन। तो बहुत यहाँ पे अगर ड्रोन फ्लाई करता तो बहुत ज़बरदस्त शॉट आता, बट कुछ प्रॉब्लम है तो मैं घर पे जाकर सारा आपको बता दूँगा। 24 बना लो। तो फाइनली गाइज हम लोग घर आ चुके हैं, और भैया को भी अच्छे से हम लोग लेकर आ गए हैं। तो भैया का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वो बनारस चले गए थे। उसके बाद मैंने वहाँ पे चला गया था, पहले ही मैं चला गया था, तो 2-3 दिन लग गए भैया के इलाज में। तो उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सिचुएशन ख़राब था। तो फाइनली अब भैया अच्छे से ठीक हो चुके हैं और हम लोग घर पर आ चुके हैं। तो आज का वीडियो यही था, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मत जाइएगा, और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, फॉलो कर लीजिए।